प्लीज आप लोग साइट विजिट करें, साइट विजिट करने के बाद आप खुद देखें कि हमारा मोर देन 80% काम कंप्लीट हो चुका है और इस साल जो प्रदर्शन का वादा है इंशाल्लाह वो तो हो गई, साथ में ऑफर डिस्काउंट मिलेगा वो अलग से। और अगर देखना है देखना पड़ेगा इंशाल्लाह आप लोगों को, तो पिकअप एंड ड्रॉप फ्री है हमारा, पिकअप एंड ड्रॉप ले, यहाँ पर है खाली सैंपल फ्लैट देखे बॉस, लिटरली मजा आ जाएगा। और मैंने फिर बताया था आपको स्टार्टिंग में, ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये फ्लैट नहीं है, टाइटेनिक जहाज है, जहाज। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमेशा की तरह कॉल करना, कॉल बिजी आए तो मैसेज करना। अल्लाह हाफिज। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। थाने पुलिस ने दो अलग अलग मामलों में हथियार तस्करी करने के आरोप में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पिस्टल, कट्टा, कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया कि राबोड़ी इलाके से शंभू सुरेश महतो को गिरफ्तार किया गया है, जो बिहार से हथियार लाकर महाराष्ट्र में सप्लाई किया करता था। इसके पास से 4 पिस्टल, 2 देसी कट्टा, 1 मैगजीन, 18 कारतूस बरामद किया गया है। दूसरा आरोपी शेर बहादुर चंडीगढ़ का रहने वाला बताया जा रहा है, जो थाने के वागले स्टेट से गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से 2 पिस्टल, 4 कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया है कि इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और दोनों के पास से कारतूस, कट्टा और पिस्टल बरामद किया गया है, लेकिन ये महाराष्ट्र में कहां किसके पास बेचने के लिए आए थे अभी इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या जानकारी दी है आपको सुनाते हैं। लोकसभा इलेक्शन के दौरान इलेक्शन कमीशन की भी गाइडलाइंस थी और माननीय पुलिस आयुक्त आशुतोष डुमरे सर की भी सूचनाएं थी कि थाना पुलिस आयुक्तालय के हद्दी में जो कोई अवैध शस्त्र बिक्री है या अवैध शस्त्र साटा है उसके खिलाफ कार्रवाई करने की सूचना थी। उसके तहत यहाँ पे जो खंडने विरोधी पथक है उन्होंने और विशेष प्रतिदल के ACP शेखर बागड़े और ACP डिटेक्शन 2 डोंगरे साहब और उनकी टीम, PI वनिता पाटिल, API टरमाळे, API गोरे और PSI राठौड़ और उनकी टीम ने यहाँ पे राबोड़ी में एक जगह वेपन बेचने के लिए एक आरोपी आ रहा है इसका इन्फॉर्मेशन थी। उसके तहत उन्होंने ट्रैप आयोजित किया, उसमें एक शंभू सुरेश महतो करके जो आरोपी पकड़ा गया, इसके पास से लगभग 4 पिस्टल, 2 कट्टे और 1 मैगजीन और 18 कारतूस यहाँ पे बरामद हुई। ये टोटल लगभग 3,40,000 का मुद्देमाल इसमें बरामद हुआ और इसमें जो आरोपी शंभू सुरेश महतो है, ये जो आरोपी है वो रबाए पुलिस स्टेशन के एक मर्डर केस में जेल में था, 11 साल की सजा भुगत के वो बाहर आया था और उसके बाद में ये वेपन ट्रेड कर रहा था और उसके समय ट्रेड करते समय खंडनी विरोधी पथक ने इसको अरेस्ट किया है। तो आगे भी ये जो वेपन है प्राइमा पेसी पता चला है कि ये बिहार से लाए गए थे, तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि ये आगे किसको देने वाला था और ये कहाँ से वेपन लाए गए थे, तो इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उसके तहत दूसरी कार्रवाई यूनिट 5 गुने शाखा घटक यूनिट 5 ने किए है, इसमें भी सीनियर PI विकास घोड़के और उनके टीम ने यहाँ पे एक आरोपी वागड़े स्टेट पुलिस स्टेशन के हद्दी में वेपन सेल करने के लिए आ रहा है ऐसा पता चला था, उसके तहत एक ट्रैप आयोजित करके एक आरोपी शेर बहादुर नव बहादुर काटकी रहने वाला चंडीगढ़ का है उसको अरेस्ट किया गया है। उसके पास से 2 पिस्टल और 4 एमनिशन पकड़े गए है। इसकी ये भी जो है वो प्राइमा पेशी ऐसा पता चला कि UP से ये वेपन लाए गए हैं और आगे यहाँ पे कहाँ पे बेचने वाला था और कहाँ से लाया गया है ये सब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो एक बहुत ही अच्छी कार्रवाई क्राइम ब्रांच थाना शहर ने यहाँ पे 8 वेपन लगभग खंडनी विरोधी पथक वागड़े स्टेट कुल मिला के 8 वेपन यहाँ पे बरामद किए हैं। इसका इन्वेस्टिगेशन आगे जारी रहेगा, इसमें कुछ और आरोपी और कुछ और वेपन मिलने की आशंका है। सर, क्या ये विश्नोई गैंग से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि विश्नोई गैंग इस वक्त सक्रिय है? नहीं, जो इन आरोपी पकड़े गए उसका इंट्रोगेशन प्रॉपरली किया गया है, तो इसमें कुछ भी ऐसा पाया नहीं गया कि कुछ गैंग से रिलेटेड है या कुछ ऐसे जो आपने बताया उसके तहत कुछ भी नहीं है। ये पूरी तरह ट्रेड करने के लिए आया था, उसमें से पैसे कमाना यही उसका उद्देश्य था, तो इतना ही सामने आया है। लोकसभा चुनाव के दौरान हथियारों की सप्लाई अधिक बढ़ जाती है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और कौन खरीदते हैं इसको?
ऐसा इन्वेस्टिगेशन में अगर हमने पिछली बार भी जो वेपन पकड़े गए ऐसा कुछ हम इससे अनुमान नहीं लगा सकते कि इलेक्शन के दौरान ही हथियारों का सेल बढ़ जाता है। पिछली बार भी हमने लगभग 15-20 ऐसे वेपन बरामद किए थे, तो ओवरऑल ये ट्रेड चलता है। इसमें मनी सर्कुलेशन या ये जो इसमें जो नफा होता है मनी के माध्यम से, यही उसका उद्देश्य रहता है। बाकी कुछ इलेक्शन में सेल बढ़ जाता है ऐसा कुछ इसमें रिवील नहीं होता है। सर आरबू कितने दिन तक चली सर? ये जो 25 तारीख तक उसका पीसीआर है, लगभग आचार संहिता डिक्लेयर होने के बाद हमने क्राइम ब्रांच ने लगभग 15 वेपन इसमें पकड़े गए हैं। पूरा कमिश्नरेट में टोटल कितने पकड़े गए इसकी इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे। तो क्राइम ब्रांच में लगभग 15 वेपन इसमें बरामद।